आ गया है। जब ये लाइनअप सुनते हैं ना तो अपने आप ही हम सबके दिमाग में सुष्मिता सेन का चेहरा आ जाता है ना। आखिर आर्या शो ही इस तरह का बनाया गया है। दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ही माइंड ब्लोइंग सीजन ऑन एंड ऑफ रहे ही है। लेकिन क्या सीजन 3 ने भी वो स्टैंडर्ड मेंटेन किया, वो थ्रिल मेंटेन किया? लेट्स फाइंड आउट। सो गाइस, आर्या सीजन 3 इज फाइनली आउट ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और सबसे ज्यादा अनोइंग चीज फिर से हो गई है गाइस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने सिर्फ 4 ही एपिसोड्स को अभी तक रिलीज किया है और बाकी 4 बाद में आएंगे। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस, बट दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग दिस। एनीवे, तो अगर आप ये रिव्यू देख रहे हो तो मैं कहीं ना कहीं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों ने सीजन 1 और सीजन 2 देखा होगा। दैट्स व्हाई आप सीजन 3 का रिव्यू देखने आए हो। तो कहानी सेकंड सीजन की कंटिन्यूएशन में ही होती है। वो आर्या जो अपने हस्बैंड तेज की डेथ के बाद जबरदस्ती फैमिली बिजनेस यानी कि ड्रग एम्पायर में घुस जाती है, नए और पुराने दुश्मनों से खुद डील कर रही होती है और साथ ही अपने 2 बच्चों को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है। अब वो एक फुल फ्लेज्ड बड़ी डॉन बन चुकी है, लेकिन उसको लगता है जब तक वो इस गेम में सबसे ऊपर नहीं आ जाती है तब तक वो बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। इसके अलावा सेकंड सीजन में जिस नंदिनी का मर्डर होते हुए एंड में दिखाया गया था, अब उसका हस्बैंड सूरज आ जाता है गेम में आर्या से बदला लेने और इस रोल में नजर आते हैं इंद्रनील सिंह गुप्ता, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। तो एक तरफ तो ऑलरेडी है एसीपी खान, जिसे हमने देखा था कि किसी भी हाल में वो इस बार फाइनली आर्या को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक डॉन बन चुकी है। दूसरी तरफ है सूरज, जिसका मैंने अभी बताया, और तीसरी तरफ है नलिनी, जो सप्लाई के बिजनेस में टॉप पर है और अब आर्या की दुश्मन बन चुकी है। नलिनी का कैरेक्टर प्ले किया है ईला अरुण जी ने, जो बहुत ही अमेजिंग है हर बार की तरह। वहीं इन सबके बीच आर्या को 1000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट भी मिलता है। तो क्या आर्या अपने पंजे फिर से खोल पाती है? इस बार उसकी फैमिली को किस लेवल तक खतरा है? कंसाइनमेंट पूरा होता है या नहीं होता? और सूरज और एसीपी जैसे लोगों से आर्या इस पर किस तरह से निपटती है? ये सब सवालों के जवाब आपको इस सीजन को यानी कि सीजन 3 के सीजन को देखने पर ही मिलेंगे। अभी 4 एपिसोड्स ही आए हैं गाइस, लेकिन आई'ड बी डेफिनेटली ऑनेस्ट कि जिस इंटेंसिटी और रॉनेस के साथ सीजन 1 दिखाया गया था, बनाया गया था, वो सीजन 2 में तो हमें कम दिखा ही था, लेकिन सीजन 3 में बिल्कुल भी नहीं दिखा। हाँ, सीजन 3 का पहला एपिसोड काफी ज्यादा हैवी जरूर है, वो आपको फिनाले एपिसोड वाली फील भी देता है। ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स इस बार भी हर बार की तरह, लेकिन जर्नी कहीं ना कहीं आपको फेक लगने लग जाती है क्योंकि सिचुएशंस काफी कन्वीनियंट लगती है। जो वल्नरेबिलिटी आर्या की सीजन 1 में दिखाई गई थी वो यहाँ पर मिसिंग भी लगती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीजन 3 तक आते आते ये शो सिर्फ एक क्राइम ड्रामा बनकर ही रह चुका है। एक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्शन कोरियोग्राफी कई जगह पर आपको सीरियस नहीं लगती, मॉकरी लगती है। सिर्फ सुष्मिता सेन और ईला अरुण जी के 2 कैरेक्टर्स ही हैं जिसकी वजह से आपका इस शो में इस बार इंटरेस्ट बना रहता है। सूरज का कैरेक्टर अच्छे से नहीं लिखा गया है, जबकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी ज्यादा है। वहीं ईला अरुण जी की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने नलिनी का कैरेक्टर प्ले किया है, इतने से कैरेक्टर में उन्होंने कमाल का काम किया है। सुष्मिता सेन के रियल लाइफ हार्ट अटैक के बाद आर्या का काफी ज्यादा शूट बच गया था, जो उन्होंने बाद में किया था, लेकिन जिस तरह से जितनी फ्लॉलेसली उन्होंने उन सीन्स को किया है वो देखने में आपको अच्छा लगता है, और इसलिए मैं उनको अलग से 1/2 स्टार भी देने वाली हूँ। खैर, राम माधवानी की आर्या 3 इज नॉट अ बैड सीरीज गाइस, लेकिन इट्स डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क ऑल्सो। इसके अपने फ्लॉज हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और थर्ड सीजन के बाकी 4 एपिसोड्स कब रिलीज होंगे मुझसे मत पूछना क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, बट आई एम स्टिल समवेयर एक्सपेक्टिंग कि वो 1/2 यानी कि 1/4 एपिसोड से बेटर हो। इसी के साथ मैं दे रही हूँ आर्या 3 को 3 out of 5 stars। आप भी देखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको सीजन 3 में वो बात लगी जो सीजन 1 और 2 में थी या फिर नहीं। बाकी मैं तो नाक्षी कालर जल्द ही मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।